बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल स्टेडियम कराची, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2007 के बाद टेस्ट मैच 26 जनवरी 2021 को शुरू होगा। और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम विकेट कीपर कॉन्टन डिकॉक की क़यादत में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दो मुकाबलों में पाकिस्तान से पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेगी, और उसके बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी दूसरे टेस्ट मैच की फरवरी के पहले हफ्ते में मेज़बानी करेगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के। बट जनूबी अफ्रीका ने अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, टीम कराची पहुँच रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबरा मोहम्मद वसीम ने जनाब पाकिस्तान के उस 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शिरकत करेगा। और ये जो 20 रुकनी स्क्वाड है, इसमें से 4 खिलाड़ी माइनस हो जाएंगे पहले टेस्ट मैच से पहले, और 16 खिलाड़ियों में से उन 11 खुशनसीब खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा जो कि पहले टेस्ट मैच में इस मैदान पर जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेंगे। बाबर आजम टीम के कप्तान हैं, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जिस 20 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली और क्राइस्टचर्च टेस्ट खेलने वाली टीम से जिन खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिल सकी, उनमें शान मसूद हैं, हारिस सुहेल हैं, फास्ट बॉलर नसीम शाह हैं, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास हैं, और अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले जफर गौहर हैं। 5 खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, फिर शादाब खान अपनी इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। और अब अगर देखा जाए तो जो नए खिलाड़ी टीम में आए हैं, अब्दुल्ला शफीक जो कि 2 T20 मैच खेले थे न्यूजीलैंड के दौरे में और कोई रन नहीं बना सके थे, उनको टेस्ट स्क्वाड में रखा गया। लेकिन मुझे लगता है कि जब 20 रुकनी स्क्वाड 16 में सुकड़ कर आएगा तो शायद उसमें अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे। लेकिन जो अच्छी खबर है, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को अहमियत दी गई है। हालांकि जाहिद महमूद इस टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुआ, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लेग स्पिनर यासिर टीम का हिस्सा है। बाएं हाथ के स्पिनर नॉर्दर्न की तरफ से उनका कारकर्दगी का 2 सीज़न में मुजाहरा करने वाले कायद अजम ट्रॉफी में नोमान अली टीम का हिस्सा बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साजिद खान खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, डिज़र्व करते थे। और कायद अजम ट्रॉफी में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले, पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड बनाने वाले कामरान गुलाम जनाब 20 रुकनी टीम का हिस्सा बने हैं। और उसके साथ सऊद शकील बाएं हाथ के बैट्समैन जो कि सिंध की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान कप में, और वो भी जनाब टीम में आए हैं। और इत्तिलात ये हैं कि जब नेशनल स्टेडियम कराची में 26 जनवरी को पहला टेस्ट मैच होगा तो वो टेस्ट कैप हासिल करेंगे। इन चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे अच्छी बात है डोमेस्टिक परफॉर्मर के लिए, ताबिश खान जिन्होंने 500 फर्स्ट क्लास विकेटें ली हैं और 28 मरतबा उन्होंने 5 विकेट की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दी है, पहली मरतबा जनाब वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। हमारी बेस्ट विशेज उनके लिए हैं, और उनके लिए मीडिया ने बड़ी बात की, क्रिकेटर्स ने बड़ी बात की, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बड़ी बात हुई कि जनाब बेचारा हर सीज़न में परफॉर्म करता है। और शायद ताबिश थक गए थे, टेक लगा लिया था उन्होंने, और उनके लिए दरवाज़ा खुल गया। तो बेस्ट ऑफ लक ताबिश आपके लिए। और दोनों फास्ट बॉलर टीम से बाहर हो गए हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में खेलने वाले नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास। उसके साथ लाहौर कलंदर की दरियाफ्त हारिस रऊफ जनाब पहली मरतबा टेस्ट टीम का हिस्सा बने हैं। और हारिस रऊफ के बारे में जब हमने चीफ सेलेक्टर वसीम से पूछा कि भाई वो तो रेड बॉल की क्रिकेट ही नहीं खेलते, 3 फर्स्ट क्लास मैचों का तजुर्बा है, तो उनका कहना यही था कि बात हुई है हारिस रऊफ से, और हारिस रऊफ जो हैं 150 किलोमीटर फी घंटा के से रफ्तार से गेंद करते हैं, और ऐसे बॉलर की हमें टेस्ट क्रिकेट में ज़रूरत है। तो देखें हारिस को मौका मिलता है नहीं मिलता। और हम बात करते हैं टीम में वापसी के हवाले से, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बेहतरीन बॉलर हसन अली जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में लीड कर रहे थे सेंट्रल पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, कप्तान परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और फाइनल टाई हो गया था, वहां सेंचुरी की थी हसन अली ने, शानदार बॉलिंग की थी, और अपनी कमर की इंजरी के बाद अब सेहतयाब होकर टीम का पार्ट बने हैं। तो वो भी जनाब टेस्ट टीम में वापस आए हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 200% चांसेज आप लिख लें कि हसन अली जो है वो हमें गेंद डालते हुए नजर आएंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कयास आ रही हैं और इतनी गुफ्तगु हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर सरफराज अहमद जो हैं वो टीम में नहीं होंगे, लेकिन उनका नाम 20 रुकनी टीम में, और जब टीम शॉर्टलिस्ट होगी 20 से 16 में जाएगी तो वहाँ भी सरफराज अहमद जो है टीम में शामिल होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो कंकशन रूल है जिसमें आपके ड्रेसिंग रूम में एक इजाफी विकेट कीपर होना चाहिए, तो रिजवान के साथ सरफराज ही टीम का हिस्सा होंगे। T20 में वो होते हैं या नहीं होते ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल इस 20 रुकनी स्क्वाड के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि दौरे न्यूजीलैंड में जाने वाले बहुत सारे खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिल सकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, शान मसूद टीम में नहीं है, हारिस सुहेल टीम में नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो
ये इतना बुरा स्क्वाड नहीं है। अब कारकर्दगी किस मयार की होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दबाव टीम पर ज़रूर होगा क्योंकि होम ग्राउंड पर आप खेल रहे हैं। बिना तमाशाइयों के नेशनल स्टेडियम कराची यहाँ टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा और नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में जब टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई थी तो इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच की मेज़बानी की थी नेशनल स्टेडियम कराची में। तो यहाँ पर इस बार हमें बाबर आजम टॉस करते हुए नज़र आएंगे क्वांटन डी कॉक के साथ। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये एक मुनासिब और बेहतर स्क्वाड कहा जा सकता है। बाहर हाल सवालात अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन खासे पुरएतमाद दिखाई दिए मोहम्मद वसीम अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनका कहना यही है कि आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को मनवाने की कोशिश करें, बाकी तनकीद अपनी जगह है। तो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रही है और 2007 के बाद कुछ 14 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। आप इस टीम के बारे में क्या राय रखते हैं, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सैयद यावसैनी को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह नेकी बात।